हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू इंग्लिश प्रो। जैसे कि आपको पता है कि आपका डी टी प्लस वी फ्री टी जी टी इंग्लिश कोर्स हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें मैंने आपका ग्रामर में दो एक चैप्टर करवा दिया है जो कि था सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टाइप। उसका पूरा का पूरा वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आज उसी का अगला पार्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसे मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो दिख ही सकते हैं आपके डीटीपीएस पे एग्जाम में। तो जो ये वीडियो लास्ट तक देख के जाएगा वो मिनिमम 5 में से 4 पे स्कोर करेगा ही करेगा, ठीक है? और याद रखना क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका काफी लंबा होगा, तो इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड करके लाऊंगा, क्योंकि एक एक चीज को कन्वर्ट करने में उसके 15 रूल है। तो 15 रूल एक वीडियो में करवाना ना मेरे लिए मुमकिन है ना आपके समझने के लिए मुमकिन होगा, ठीक है? तो इसको आज जो मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, और 3 रूल जानने से पहले ये जान लो कि आपको रूल याद नहीं करना है। अगर क्योंकि आपको रूल याद करने गए तो याद रखना जो 5 में से मैं 4 कह रहा हूँ आपके 1 नंबर भी नहीं आएंगे। आपको सिर्फ सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस में क्या है, और सेंटेंस पहचानने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊंगा, सेंटेंस कैसे पहचानना है मैं वो आपको बताऊंगा। आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आप अगर रूल से कन्वर्ट करने जाओगे तो गलत कर जाओगे, आपको रूल पे नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि सेंटेंस जो है 2 तरीके के होते हैं, सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक आपका स्ट्रक्चर के आधार पे, दूसरे जो थे आपके वो थे एक्सप्रेशन के आधार पे। तो पहला क्या था आपका? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इसी से इसी का जो है ये अगला पार्ट है। अगर आपको ये ही नहीं पता तो आप ये कहीं नहीं पाओगे। तो हमेशा इसको याद रखना कि अगर ये पढ़ने से पहले आप इस कम से कम इसको तो जरूर देख लेना। ये आप छोड़ भी सकते हो कुछ देर के लिए, सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एक्सप्रेशन के आधार पर जो मैंने बताया था आपको वो देख लेना। एक्सप्रेशन के आधार पर कौन कौन सा था? एसरटिव, इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या था आपका? इंपरेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, राइट? ये 5 मैंने आपका करवा दिया था। आज जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो एक्सप्रेशन के आधार पर ही होगा, इस पे ही आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो फाइंड द एरर हो, चाहे आपको कन्वर्ट करके दे दिया होगा, वहां पे 4 ऑप्शन दिया होगा, फिर आपको पहचानना होगा कि इसमें रियल कन्वर्जन कौन सा है। तो एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। आज हम लोग सीखेंगे कि एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, एसर्टिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। जैसे और या इसका अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इंपरेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एसर्टिव भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन? पहला आपका हो गया अफर्मेटिव, दूसरा आपका हो गया निगेटिव। आज हम लोग वही जानेंगे कि एसर्टिव को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लेके रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका कोई ज्यादा कुछ खास यूज है नहीं अभी आज के वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि एसर्टिव भी जो है 2 तरीके के होते थे, कौन कौन सा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, दूसरा था आपका निगेटिव। अफर्मेटिव आपका किस टाइप का सेंटेंस बनाता था? पॉजिटिव टाइप का। और निगेटिव, नाम से ही आपको पता चलता है कि निगेटिव टाइप का सेंटेंस इसमें बनता था। आज हम लोग जानेंगे कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा, हम अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट तो करेंगे, पर जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? मीन्स कि हम कि किसी मतलब सीधा सेंटेंस को हम लोग उसका पैसिव वॉइस बना देंगे। वॉइस नहीं बनाना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या क्या होगा इसमें। अफर्मेटिव को हम लोग इसका इसके
अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज तो करेंगे, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए और आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। लाइक देख लो यहां, ही इज पंक्चुअल। अब हम लोगों को इसको, ये क्या है आपका, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, ये आपका एक स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट देने का मतलब क्या होता है, एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव में किस टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव टाइप का। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव, राइट। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, तो हम लोग ऐसा क्या लिखे कि ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसका बिना मीनिंग चेंज हुए हर नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम लोग बना दें। तो हम लोग लिखेंगे ही इज नेवर लेट। देख लो बात तो सेम ही है, ही इज पंक्चुअल, वो हमेशा टाइम पे रहता है, ही इज नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता है। हम लोगों ने इनडायरेक्ट वे में बोला, सेम सेंटेंस को बोला, पर क्या किया हम लोगों ने, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे, अफर्मेटिव से निगेटिव में। तो यही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है, कि बिना मीनिंग चेंज किए सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। इसके बहुत सारे रूल हैं एक्चुअली, आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है तो इसके 15 रूल है, पर 15 रूल एक वीडियो में हो भी नहीं सकता है और आप उसको समझने में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि हर वीडियो में 3 रूल मैं आपको बताऊंगा, उस 3 रूल को आपको याद करने में भी काफी आसानी होगी। खैर आपको रूल को याद करना ही नहीं है, आपको सेंटेंस देख के पहचानना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसको हम लोग कैसे निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप सेंटेंस देख के पहचान गए तो कन्वर्ट करना आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, अगर रूल याद करने जाओगे कुछ नहीं याद रहेगा। तो हम लोग इसको रफ करते हैं और आते हैं आज के रूल नंबर 1 पे। इसके रूल भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो रूल तो आप लोगों से याद नहीं होगा, इवन आप लोगों से क्या मुझसे भी नहीं याद रहता है, किसी भी टीचर को के लिए भी याद करना है बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है। तो हम लोग चलिए आते हैं आज के रूल नंबर 1 से। आपका रूल नंबर 1 क्या कहता है, आपका रूल नंबर 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस ऑलवेज, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसको देख लो अच्छे से, ऑलवेज आपके सेंटेंस में ऑलवेज हमेशा आएगा, ये नियम है, रूल आगे मैं आपको बताऊंगा, पर इस ऑलवेज को आप अच्छे से देख लो, ऑलवेज प्लस वर्ब, यहां लिख दे रहा हूं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ये आपका रूल है, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे ऐसा आपका सेंटेंस आएगा। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसफॉर्म ऐसे कर दोगे, सब्जेक्ट जो है एज यूजुअल लिख दोगे सब्जेक्ट, राइट, प्लस ये जो ऑलवेज है आपका, ये ऑलवेज आपका नेवर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, इसके जगह हम लोग लिख देंगे नेवर, क्या हो गया, ये आपका नेवर हो गया। ये आपका जो वर्ब है इस वर्ब के जगह आ जाएगा अपोजिट वर्ब। अब पूछोगे अपोजिट वर्ब क्या होता है, तो जैसे ट्रुथ है, ट्रुथ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लाई, अलाउ है, अलाउ का क्या होगा डिनाई, ये आपका वर्ब है जिसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, मी माइन जो भी होता है वो आप यहां लिख दोगे। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि रूल से याद नहीं रहने वाला है, कभी नहीं याद रहेगा, ठीक है, ये बेसिक दिमाग है कि रूल कभी याद नहीं रहता है। आपको सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस पहचानने से आप सीखोगे कि कन्वर्ट कैसे करना है। अब मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, ठीक है, मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर टाइटल जो है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं इसको भी अभी रफ कर रहा हूं, ठीक है, कि ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं रूल नंबर 1 से, ऑलवेज स्पीक दी ट्रुथ। इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नियम ये कहा था, यहां आपको ऑलवेज दिखा। तो जब आपको बस नियम याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है,
उस वर्ड में यूज किया हुआ हाईलाइटेड वर्ड को याद रखना है। जैसे उस रूल में मैंने हाईलाइटेड वर्ड यूज किया था ऑलवेज, वहां भी हाईलाइट किया था। यही देखो यहाँ पे भी वही ऑलवेज है, वहां पे ऑलवेज किस चीज में कन्वर्ट हुआ था मैंने आपको नीचे लिखा था, वहां पे ऑलवेज आपका कन्वर्ट हुआ था नेवर में। तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे नेवर। हम लोगों ने क्या कहा था कि जो भर्ब है आपका, भर्ब को हम लोग अपोजिट वर्ब में चेंज करेंगे। ट्रुथ है तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, लाइक सच, सच का अपोजिट क्या है झूठ। तो नेवर टेल अ लाई, ये जो आपका हो गया ये ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया एफर्मेटिव से निगेटिव में, अफर्मेटिव से निगेटिव में। ये आपका रूल नंबर वन है, रूल नंबर वन से आप ऐसे याद रखोगे, आई होप कि आपको ये याद जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने रूल नंबर टू में। रूल नंबर टू से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे ही देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। चलो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ही इज ऑलवेज केयरफुल, राइट। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज है तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज में किस चीज में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, नेवर में, ही इज नेवर केयरलेस। हम लोगों ने किस चीज में ट्रांसफॉर्म किया, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया, ये ऑलवेज की जगह क्या हो गया नेवर हो गया, केयरफुल के क्या हो गया केयरलेस हो गया। क्या क्यों, क्योंकि ये आपका वर्ब है, वर्ब आपका किस टेंस में चेंज होता है अपोजिट वर्ब में, ठीक है। आपका ऑलवेज किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा नेवर में। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अफर्मेटिव टू नेगेटिव बाय रूल नंबर वन, जिस सेंटेंस में आपको ऑलवेज दिख जाए वहां नेवर कह दोगे और जिसमें जो वर्ब होगा उसका अपोजिट वर्ब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आज के दूसरे एग्जाम्पल रूल में, ठीक है। दूसरा रूल हमारा एडजेक्टिव को लेकर होगा, मैं आपको दूसरा रूल लिख देता हूं। देखो मैं फिर कहूंगा रूल याद करने मत जाना, रूल कभी याद हो ही नहीं सकता। मैं आपको जो रूल नंबर टू बताने जा रहा हूं वो इतना लंबा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, याद तो बहुत दूर की बात। रूल नंबर टू, सेंटेंस पहचानना हमेशा, तो मैं याद लिख दे रहा हूं रूल नंबर टू आपका। रूल नंबर टू जो आपका है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस भाव टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस भाव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रूल नंबर वन में आप लोगों ने जाना था ऑलवेज, ऑलवेज को मैंने हाईलाइट किया था, वैसे ही मैं यहां भी हाईलाइट कर रहा हूं टू टू, एंड एक और टू है यहाँ पे टू, एक टी डबल ओ वाला टू है, एक टी ओ वाला टू है। अगर आपको सेंटेंस में ऐसा कुछ दिख जाए तो इस टू की जगह जो है आपका सो हो जाएगा और इस टू की जगह आपका डैट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, इसको मैं आगे आपको और कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। और याद रखना इस टू भर 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 के आगे, भर के आगे जो होगा कैन प्लस कुड आपका नॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसका क्या रियल स्ट्रक्चर है वो मैं आपको लिख के बताता हूं नीचे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, टू का सो होगा, टू का डैट होगा, क्योंकि आपको वहां पहचानना सेंटेंस है, सेंटेंस पहचान जाओगे आप ऑटोमेटिकली उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लोगे। चलो इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या होगा रूल, मैं रूल आपको नीचे लिख दे रहा हूं। तो आपका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो, सो क्यों, क्योंकि यहां पर टू था, टू का कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सो हो जाएगा, सो प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखना जियो करते हो, हम लोगों ने यहां उतार दिया है, प्लस डैट, डैट क्यों, टू के जगह डैट होगा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट, ये जो आपका सब्जेक्ट यहां पे होगा ही सी जो भी, वो यहां पे फिर वैसे ही आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड, कैन कुड कब होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, कैन या कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
आप खुद ही बताओ, क्या आप इसको याद कर पाओगे? कभी नहीं याद होगा। तो आपको पहचानना होगा संदेश, संदेश पहचान के ही आपको उसको बनाना होगा। संदेश कैसे पहचानोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि रूल नंबर वन में जब भी सेंटेंस में ऑलवेज आएगा तो वहां निर्भय हो जाएगा, और जो भय होगा उसका अपोजिट भय हो जाएगा। जैसे ट्रुथ है तो लाई हो जाएगा, पंक्चुअल है तो लेट हो जाएगा, उसी टाइप का। उसी तरीके से रूल नंबर टू में सब्जेक्ट प्लस भय प्लस टू, टू प्लस टू, आपको ये दो टू दिख जाए एक ही सेंटेंस में तो समझना इसको चेंज करना होगा। हम लोगों को यहाँ पे टू का सो हो जाएगा, इसका डैट हो जाएगा, ठीक है, और इसके आगे कुड या कुड नॉट लग जाएगा, कैन कैन नॉट कुड कुड नॉट ये लग जाएगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लेके रख लो, मैं दो मिनट के लिए यहाँ से साइड हो रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ एग्जाम्पल पे। मैं हटा रहा हूं। एग्जाम्पल, सी इज टू क्लेवर, सी इज टू क्लेवर टू, सॉरी, सी इज टू क्लेवर टू बी चीटेड। तो अब हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने सेंटेंस देखा, इसमें टू है, टू है, एडजेक्टिव है, दो टू के बीच एक एडजेक्टिव यूज होता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये आपको सीखना है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम लोग लिख देंगे, सीज टू का क्या कहा था मैंने, सो में कन्वर्ट होगा, सीज सो क्लेवर, टू का क्या कहा था कि डैट में चेंज करेंगे डैट, फिर मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट आएगा टू के बाद, सब्जेक्ट आएगा डैट सी, फिर मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, कैन या कुड नॉट, क्योंकि यहाँ पे इज है, ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे यूज होगा, कैन यूज होगा। अगर यही मैं वाज कहता, सी वाज, तो पास्ट में था तो वहां पे आपका कुड यूज हो जाता, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ये इज है, तो यहाँ पे आपका जो यूज होगा वो होगा कैन, सी कैन, फिर मैंने आपको क्या कहा था कैन के बाद क्या यूज होगा, नॉट, नॉट बी चीटेड, ठीक है। अब देखो मैंने रूल आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस आपका टू आएगा, प्लस का एडजेक्टिव आएगा, प्लस टू आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, भय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया, सी का सी लिख दिया। देखो यार इतना दिमाग बंद लगाना, तुम्हारा जो दिमाग लगना चाहिए बस ये टू, इस टू को दिख के लग जाना चाहिए, जहां दो डबल टू हुआ वहां ट्रांसफॉर्मेशन के समय एक टू की जगह शू हो जाएगा, एक टू की जगह डैट हो जाएगा। और याद रखना नॉट तो आएगा ही आएगा जब निगेटिव में चेंज करेंगे। अब देखना आपको बस इतना ही है कि यहाँ कैन नॉट होगा या कुड नॉट होगा। तो कैन नॉट और कुड नॉट कैसे देखोगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में इज है तो आपका कैन नॉट होगा, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वो कुड नॉट होगा। इस बात को हमेशा रखना। अगर यहाँ वाज हो जाएगा तो अगर इसकी जगह वाज लिख दे तो इसकी जगह आप लोगों को कुड लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, कुड लिखना पड़ जाएगा। तो ये आपका हो गया रूल नंबर टू। आप आई होप कि आपको रूल नंबर टू समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लिख के रख लो, फिर हम लोग आते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पे, जहां की आपको एज मिलेगा और आपको एज को रिप्लेस करना होगा। या एक एग्जांपल आपको और दे ही दूं, सुनो दे देता हूं, ही इज टू पुअर टू डोनेट, है यहां पे आप लोग सब्जेक्ट ऐसे उठाएंगे, ही इज टू, इसको तो कन्वर्ट करना होगा ना, टू को हम लोगों को शो में, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, सो पुअर ऑब्जेक्ट लिख दिया, मतलब एडजेक्टिव लिख दिया, पुअर क्या आपका एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा आदमी कैसा है तो गरीब है, सो पुअर। फिर टू की जगह मैंने आपको क्या बताया था रूल में, टू आएगा तो इसकी जगह डैट हो जाएगा, डैट ही कैन, फिर देखो यहां पे इज मैंने यूज किया है, यूज किया तो क्या आएगा, कैन आएगा, अगर वाज यूज करता तो क्या आता, कुड आता, कैन
फिर आपका क्या था उस रूल में, नॉट, कैन नॉट, नॉट क्यों आ रहा बार बार, क्योंकि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर रहे हैं, कैन नॉट डोनेट, ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव से और ये अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बन गया। ये आपका रूल नंबर टू था। रूल नंबर टू में क्या क्या आया, दो टू आपको मिला, एक टू ये मिला, एडजेक्टिव मिला, प्लस आपका एक टू ये मिला। जैसे ये आप किसी सेंटेंस में ये देख लो, समझ जाना ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इस टू के जगह सो, इस एडजेक्टिव को एच इट इज उतार देंगे, इस टू के जगह डैट, ठीक है। अब हम आते हैं आपके आज का तीसरे रूल पे, और ये रूल आज का तीसरा रूल लास्ट होगा, फिर हम लोग अगला रूल जो करेंगे अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि एक एक बार में अगर मैं आपको 15 रूल करवा दूं तो आपके समझ में आने वाला है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे जुड़ सकते हो। मैं फिलहाल इसको रफ कर रहा हूँ और आप रूल नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी लेके रख लो। हो गया, अब मैं इसको माफ कर रहा हूं। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, रूल नंबर 3 आपका कहता है कि जो एज है किसी सेंटेंस में, अगर एज आ गया, ठीक है, दो एज आ गए, तो वहां पे ये चेंज हो जाएगा, नॉट लेस देन से, हमेशा याद रखना, यही मेन है रूल, तो मैं आपका लिख ही रहा हूं और ये मेन है, ये जो हाईलाइट मैंने किया है यही आपका मेन है, यही इसी से आप सेंटेंस पहचानोगे, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा रूल याद नहीं रहने वाला। चलो तो मैं आपके लिए रूल लिख ही देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन प्रोनाउन। अच्छा, आपको कुछ रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में कॉमन दिख रहा है, एडजेक्टिव। अच्छा, रूल नंबर 2 में क्या था, रूल नंबर 2 में क्या था, ये एज की जगह एक ये वाला 2 था, फिर एडजेक्टिव ऐसे ही था, और प्लस थ्री क्या आ गया था, 2 आ गया था। अब इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने किया क्या कि इस 2 की जगह एज किया, एडजेक्टिव ऐसे ही सेम का सेम रख दिया, ठीक है, और फिर एक एज लगा दिया। जैसे ही सेंटेंस में आपको ऐसा दिख जाए एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, उसके जगह नॉट लेस देन आ जाएगा, मेन इसका यही है। अब पूरा रूल मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि लिखते कैसे है, पर मेन जो आपका इसका समरी है यही है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज आ जाए तो नॉट लेस देन यूज हो जाएगा आपका। अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसका रूल, हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे, जो ये वर्ब है आपका, वर्ब की जगह आपका आ जाएगा ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, मुझे एक बार लिख लेने दो कि ऑक्सिलियरी वर्ब होता क्या है, ऐसे तो मैंने बता ही दिया अभी फिलहाल, फिर से मैं आपको एक बार बता दूंगा, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट प्लस लेस प्लस देन, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा, सॉरी नॉट लेस प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया आपका प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ये आपका रूल हो गया। इसमें आपने क्या पाया कि रूल में आपका क्या है, एज है, एज है प्लस एडजेक्टिव है। रूल नंबर 2 में क्या था, टी डब्ल्यू 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2, तो टी डब्ल्यू 2 को हम लोग चेंज करते थे सो में, टी को चेंज करते थे डैट में, और एडजेक्टिव जो आपका एज इट इज वहीं पे लिखा जाता था। यहाँ पे क्या आ गया, उस 2 की जगह एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज आ गया, प्लस नाउन पर लास्ट में आ गया, ठीक है,
इस वर्ब को जो है हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी और इस वीडियो में शायद बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, डिड, डू, डन, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी और मेन दोनों सेम ही होते हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम ही होते हैं। मेन गलती से निकल गया था, माफ करना। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, और जो यहाँ आपका एज था वहां पे आपका आ जाएगा नॉट लेस, प्लस आपका एडजेक्टिव वैसे ही वैसे ही उतर जाएगा और इस एज की जगह आ जाएगा दैन प्लस नाउन प्रोनाउन। खैर ये तो हो गया रूल, और रूल से जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है और ना रूल याद रहता है। तो अब हम लोग आएंगे अपने डिटेक्टिव मेथड पे, क्या पेडागॉजी में यही कहते हैं ना डिटेक्टिव मेथड, उससे पता करेंगे एग्जाम्पल से कि सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे और उसको चेंज करेंगे कैसे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको इसके साथ लेना है लेके रख लो, फिर मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल जो आपका लव, हर फादर एज मच एज हर मदर, इस सेंटेंस में देखना जो एज यूज हुआ है तो यह आपका किस टाइप का सेंटेंस है, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, श्रेया लव हर मदर, मैंने आपको भूल में क्या बताया, नॉट लेस देन, जहां एज आ जाएगा वहां क्या यूज करेंगे, नॉट लेस देन, सॉरी श्रेया लव हर फादर लेस देन हर मदर, ठीक है। दो एज आया था, दो एज की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, नॉट लेस देन, यही इसी तरीके से आप सेंटेंस को चेंज करोगे। मैं इसका आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और अगले एग्जांपल पे आते हैं हम लोग, ठीक है। He is as wise as his mother. यहाँ पे क्या है, दूरा है, बीच में आपको क्या आ गया, adjective आ गया। हाँ मैंने क्या बताया था, as plus adjective plus as, जैसे वहां पर t double o plus two plus two टू प्लस एडजेक्टिव था, उसी तरीके से यहाँ पे एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज आया। इस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, नॉट लेस प्लस एडजेक्टिव प्लस देन में, राइट। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप करके बताओ, तो चलो मैं कह देता हूं, एज नॉट, नॉट का क्या था, लेस, इट्स नॉट लेस, लेस के बाद क्या था, एडजेक्टिव, वाइज देन, क्या था एडजेक्टिव के पास, देन, भूल याद करना, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, सॉरी एज प्लस एज ये था ना, इसकी जगह क्या आया था, नॉट प्लस लेस प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस नाउन प्रोनाउन, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ही इज सब्जेक्ट का वैसे ही उतर गया, वर्ब जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब ये है, आपका एज था एज की जगह क्या आ गया, नॉट लेस, एडजेक्टिव आपका फिर वैसे ही उतर गया, वाइज फिर हम लोगों ने लिखा एज की जगह देन, यही रूल था, देन ही इज नॉट लेस वाइज देन हिज ब्रदर, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने तीन रूल पढ़ा, तीनों रूल मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग अपना जो अगला रूल है 4, 5, 6 हो सकता है 7 भी, हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करें इसको। इस रूल को जो है हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 क्लास लेंगे, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से इसको समझ सको,
और एग्जाम में आराम से 5 नंबर आपके पैकेट में हो, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जैसे कल से मैंने शुरू किया था कि जो भी एजुकेशनल पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया जो आपके केवीएस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था। जैसे पहला सवाल था जो कि मैंने आपको बता दिया था, आज मैं आपको दीक्षा बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी के लिए DTPS में TGT फ्री इंग्लिश कोर्स में आपका इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।